हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मी ओ, मैथ्स टीचर। गाइज़ आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरडी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 62 जो कि पेज नंबर 16.25 पर है। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability that 5 will not come up on either of them? 5 will come up at least one, 5 will come up at both dice. तो ये जब भी आपका two dice वाला question आता है, चाहे उनको dice को साथ में throw करें या फिर उनको अलग अलग throw करें, सारी जो total possible outcomes होंगे वो आपके same ही होंगे। तो यहाँ पे dice को क्या किया है, simultaneously throw किया है। तब हमें यहाँ पे probability find करनी है कि 5 will not come up on either ऑफ देम, यानी कि 5 कहीं भी नहीं आए। यानी आइदर ऑफ देम मतलब कि अगर आपने दो डाइस थ्रो किए तो फर्स्ट पे भी नहीं आना चाहिए, सेकंड पे भी नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी 5 आना ही नहीं चाहिए। वो आउटकम्स आपको लेना ही नहीं है जहाँ पे 5 आए। तो हम फर्स्ट का यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो जब टू डाइस थ्रो कर दें तो वो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपको जब भी टू डाइस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स का ये टेबल आपको ज़रूर बनाना है। वहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको लिख कर बताने हैं। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ये फर्स्ट डाइस पे आने वाले, क्योंकि डाइस पे टोटल 1 to 6 नंबर होते हैं। ये सेकेंड डाइस पे ये नंबर होंगे 1 to 6। तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, तो ये पॉसिबल आउटकम्स है कि ये सिर्फ यही जो हमारे 36 पॉसिबल आउटकम्स है वहीं आएंगे, इसके अलावा कोई भी और नंबर डाइस पे नहीं आएगा। तो 1 दोनों पे 1 आ जाए या फिर पहले पे 1 दूसरे पे सेकंड 2 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, तो इस तरह से हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हैं। इनको अगर आप काउंट करोगे तो हर रो में 6 है, टोटल 6 रो है, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 36। तो ये टेबल आपको जरूर बनानी है। मैं यहाँ पे इस टेबल को नहीं बना रही हूँ, मैं आपको इसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख दिए टेबल के अकॉर्डिंग 36 है। 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, यानी कि ना तो एक बार भी नहीं आना चाहिए, वो कंडीशन होगी। आइदर ऑफ देम यानी कि इस डाइस पे भी 5 नहीं आना चाहिए, इस डाइस पे भी 5 नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो टोटल हमारे कंडीशन जो 5 5 वाले कौन कौन से हमें रिजेक्ट करने हैं यहाँ पे, तो ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सेकेंड डाइस पे 5 आ गया। फिर उसके बाद में हम ये वाला भी नहीं लेंगे, फिर इस वाली लाइन में हम ये नहीं लेंगे, इस वाली में हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि एक भी जगह पे 5 नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद में ये सारी ही लाइन यहाँ हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है सभी जगह पे, और लास्ट ये वाला हम नहीं लेंगे। तो अब जो हमारे रिमेनिंग रह गए वो हमें इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स है, क्योंकि यहाँ पे एक भी 5 नहीं आ रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25। तो ये हमारे क्या हो गए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए इस कंडीशन के लिए कि 5 will not come up on either of them, यानी कि एक भी जगह नहीं आए। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 25 पे हमारे आउटकम्स ऐसे हैं जहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, तो वो आउटकम्स आपके लिए इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो इस तरह से आपको आंसर राइट करना है। तो जो भी फेवरेबल आउटकम्स है वो यहाँ पे आपको लिखकर बताने, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में आएगा, तो जितना हो सके उतना आपको सारा क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हो गए जहाँ पे हमारा 5 नहीं आ रहा है। जब मैंने इसको काउंट किया था तो हमारा 25 आ रहा था। तो अब आप इवेंट ये फर्स्ट जो है उसको हम इवेंट 1 ले लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 यानी कि 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, इसका मतलब ये इक्वल टू, तो फॉर्मूला हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो ये फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे कितना आ रहा है 25, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे कितने हैं 36। तो ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट इसका हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 विल कम अप ऑन एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। इस एटलीस्ट को आप अच्छे से समझ लो। एटलीस्ट का मतलब ये कि कम से कम, उससे ज़्यादा बार कितनी बार भी आ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो इसको इस तरह समझ लो कि आपकी जैसे टीचर ने बोला एटलीस्ट वर्ड का मतलब कि क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, टोटल 50 स्टूडेंट है, उसमें कहा कि एटलीस्ट 20 आएंगे तभी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, नहीं तो मैं नहीं स्टार्ट करूंगी। यानी कम से कम 20 स्टूडेंट आएंगे तब वो नया चैप्टर स्टार्ट करेगी, 20 से कम अगर स्टूडेंट आए हैं तो नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेगी। अब चाहे 20 आ जाओ, 20 के बाद 22 आ जाओ, 30 आ जाओ, 40 आ जाओ, 45 आ जाओ, वो चलेगा, लेकिन मिनिमम तो 20 आने ही चाहिए। तो इस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट कहा है, तो जो एक 1 टाइम आए हैं वो तो आपको लेने ही है, लेकिन जो 2 टाइम आए हैं वो भी आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो ये जो भी मैंने सर्कल किए हैं वो सारे हैं जहाँ पे हमारा कम से कम एक बार तो 5 आया ही है, तो ये सारे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो ये सारे वो आउटकम्स है जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है और यहाँ पे 2 टाइम 5 आ रहा है, तो ये टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 यानी कि E2 का मतलब क्या हो गया, 5 will come up on at least 1, इसका मतलब ये हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 11, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो वो हमारे हैं 36। तो इस तरह से आपको सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ हम थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 5 will come up at both dice यानी कि दोनों डाइस पे 5 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ ये एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमारा 5 दोनों डाइस पे आ रहा है, फर्स्ट डाइस पे भी आ रहा है जो ब्लैक कलर की डाइस पे और रेड कलर की डाइस पे भी 5 आ रहा है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे दोनों 5 आ रहे, बाकी सारी जगह पे कहीं पर भी दोनों 5 नहीं है। तो सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम से, तो 1 by कितना हो जाएगा 36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम से 1 और पॉसिबल आउटकम्स कितना है 36। तो इसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E3 यानी 5 will कम अप ऑन बोथ साइड, कम अप एट बोथ साइड दोनों साइड में आएगा, उसकी फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 36। तो ये हमारे तीनों आंसर इस तरह से मैंने सॉल्व करके बता दिए। तो आपको ये बस ये वर्ड का मतलब बताना था कि इनका यहाँ पे आइदर होगा तो कौन से लेने हैं, एटलीस्ट होगा तो कौन से लेने हैं। और अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।